गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा नौवीं से विषय हिंदी और उसे हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक व्याकरण से पाठ नंबर 2 अर्थ के आधार पर वाक्य की थी। फ्रेंड्स, कल हमने इस लेसन को समझा था, आज हम करेंगे इसका अभ्यास। हमारा अभ्यास आज कक्षा नंबर 3 से शुरू है। आज की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए, यानी आपके पुस्तक में भी दिए हैं, आपको वाक्य दिए गए हैं, उसके सामने आपको बताना है कि ये वाक्य है वो वाक्य के कौन से भेद का है। वो भाई धनवाचक है, विशेषवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक है, विषयानुबोधक है या संकेतवाचक। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 देखिए, हो सकता है भारत मैच जीत जाए। हो सकता है मतलब ये कंफर्म नहीं है, हमें पक्का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये वाक्य का कौन सा भेद है? संदेह वाक्य, यानी संदेह है, जीत भी सकता है नहीं भी। नंबर 2, जा तेरा वैभव नष्ट हो जाए। देखिए, हमने जो वाक्यों के भेद पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो इच्छावाचक वाक्य होते हैं ना, उनमें इच्छा प्रकट की जाती है, शाप दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, तो इसमें क्या है? शाप दिया गया किसी को, तो ये क्या है? इच्छावाचक। आपकी यात्रा मंगल है, इसमें किसी के प्रति शुभ आशीष दिया गया है, तो ये भी इच्छा। नंबर 4, क्या आपने मेरा पत्र पढ़ लिया है? एक तो देखिए सब पीछे वाक्य के अंत में क्या है? प्रश्न वाचक चिन्ह। दूसरा, आप देख रहे क्या यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, देखिए तो ये कौन सा वाक्य है? प्रश्न वाचक वाक्य। या देखो, आप भी पढ़ लो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो, यानी पहले क्या क्रिया करनी पड़ेगी? पहले पढ़ना पड़ेगा तो ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते, यानी एक क्रिया होने के बाद ही दूसरी क्रिया का होना संभव है। तो ये कौन सा वाक्य है? संकेत वाचक वाक्य है ये। नंबर 15, चंद्रमा रात में देखता है, सामान्य सी क्रिया है, सामान्य सी बात।
मेरी सहायता की थी। वहाँ किसी से प्रार्थना की गई है, तो प्रार्थना कौन से वाक्यों में की जाती है? अव्यवाचक वाक्यों में। तो ये थे हमारे 1 से 16 तक प्रश्न नंबर 3 के जो अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद का नाम बताना था।